गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का हमारे चैनल बेसिक मैथ्स में स्वागत है आज हम इस चैनल पर क्लास थर्ड का एन सी आर टी मैथ्स मैजिक्स बुक का चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करेंगे तो हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स का नेम है लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग का मतलब होता है लंबा एंड शॉर्ट का मतलब होता है छोटा तो इस चैप्टर के द्वारा थर्ड क्लास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो आसानी से लॉन्ग एंड शॉर्ट में डिफरेंस कर पाए तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ ये आपको एक लड़की दिख रही है इसका नाम लाली है ठीक है और ये जो दिख रहे साइड में एक फार्मर है और ये इनकी स्टोरी है इस स्टोरी के द्वारा फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहले हम स्टोरी शुरू करते हैं फिर हम क्वेश्चन का जवाब देंगे पहले है लाली इज सेलिंग थिंग्स सेलिंग होता है बेचना और थिंग्स होती है वस्तुएं लाली है वो कुछ वस्तुएं बेच रही है एट हर फादर सोप अपने फादर की दुकान पर ए फार्मर कम टू बाय रोप रोप होती है रस्सी तो उसकी दुकान पर एक फार्मर आता है रोप खरीदने के लिए रस्सी खरीदने के लिए लाली अपने पापा की दुकान पर बैठी हुई है और वो वस्तुएं बेच रही है तभी एक फार्मर उस दुकान पर आता है और वो उससे रस्सी खरीदना चाहता है तो बोलता है उसको कैन यू गिव मी सेवन आर्म्स ऑफ रोप आम होती है आपकी बाजू आपकी उंगली से लेकर आपके शोल्डर तक की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वन आम तो ये बोलता है कि क्या तुम मुझे सेवन आर्म ऑफ रोप सेवन आर्म्स रस्सी दे सकती हो तो इधर लालिद आपको दिख रही होगी इस फिगर में ये रस्सी को मेजर कर रही है माप रही है वन आर्म के हिसाब से तो वन आप देख सकते हो वन आर्म कितना होता है फिंगर से लेकर आपके शोल्डर्स तक होता है तो ये लाली ने इसको बोला हेयर इज योर सेवन आर्म ऑफ रोप तो जैसे ही इस फार्मर ने लाली से रस्सी को लिए बोला कि मुझे सेवन आर्म रोप चाहिए तो लाली ने इसको जल्दी से मेजर किया और इस फार्मर को दे दिया और बोला कि हेयर इज यूअर सेवन आर्म ऑफ रोप कि यहाँ पर ये आपकी सेवन आर्म ऑफ रोप है सेवन आर्म रस्सी है तो आगे क्या हुआ जैसे इस किसान ने इस फार्मर ने इसको देखा तो बोला बट दिस इज ओनली सिक्स आर्म्स लॉन्ग तो जैसे इसने इसको छुआ अपने हाथों में लेके देखा तो उसने बोला कि यह तो केवल सिक्स आर्म्स लंबी है मैंने तो आपसे सेवन आर्म्स मांगी थी ये तो सिक्स आर्म्स है तो फिर लाली क्या बोलती है वाई डोंट यू मेजर यू आर्म विद दिस रोप एंड टेक सेवन टाइम ऑफ डेट लेंथ असल में हुआ क्या था रस्सी जो सेवन आर्म्स ही थी लेकिन जो लाली है उसके हाथ छोटे हैं तो इस और जो फार्मर है उसके हाथ जो हैं उसकी आर्म जो है वो बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो गई है कि फार्मर को लग रहा है कि सिक्स आर्म्स है तो लाली ने क्या किया है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए उसने बोला कि आप अपने एक आम माप के मेरे को दे दीजिए इस रस्सी से आप अपने एक आम माप के मेरे को दे दीजिए और फिर मैं इसके सेवन टाइम आपको रस्सी दे दूंगी द फार्मर मेजर द आम शो द फार्मर मेजर द आम विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम सेवन टाइम डेट मच रोप तो आपको फार्मर दिख रहा है इस फार्मर ने अपनी फिंगर से लेकर शोल्डर तक वन आम रोप को मापा और लाली को बता दिया कि वन आम इतना होता है तो फिर लाली ने उसको सेवन टाइम रोप उसी की आम के साइज़ की सेवन टाइम सात बार उसको माप के रस्सी उसको दे दी अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे स्टोरी के माध्यम से वो आपको बताने हैं पहला क्वेश्चन है मेजर यूर आर्म एंड योर मदर्स आर्म आपको अपनी आर्म और अपनी मदर्स की आर्म को मदर्स की जो आर्म है उसको मापना है उसको मेजर करना है और डिफरेंस लिखना है कि वट इज़ डिफरेंस ये आपका होमवर्क है आपको लिखना है कि माई आर्म की लेंथ इतनी है और मदर्स आर्म की इतनी है और फिर उनका डिफरेंस लिखना है हम नेक्स्ट पेज चलते हैं पेज नंबर फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको अपने अनुमान से अपने अंदाजे से बताने हैं तो क्वेश्चन है पहले हाउ मैनी जो है हाउ मैनी बताना है कितना हाउ मैनी कितना तो पहले क्वेश्चन में आपको इधर एक लड़का दिख रहा है एक लड़का आपको दिखाई दे रहा है और ये जो जहां पे खड़ा है ये ये जो है ये एक रोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोड है और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं इन हाउ मैनी स्टेप विल डोरजी क्रॉस द रोड कि जो डोर्जी इस लड़के का नाम डोर्जी है कि कितने स्टेप में ये डोर्जी जो है इस रोड को क्रॉस करेगा तो आपको ये अनुमान लगाना है कितने में करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वन स्टेप है आगे फिर इतना ही वन होगा टू फिर एक और इतना ही वन होगा फिर इतना ही फिर एक वन होगा फिर इतना एक और वन होगा तो हमने जो नियर अबाउट ग्रेस लगाया है वन टू थ्री फोर फाइव लगभग लगभग फाइव स्टेप्स में दोजी जो है इस तो रोड को क्रॉस कर देगा इस तरह आपसे आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको गैस करके या ऐसे ही मेजर करके आपको आंसर बतानी है सेकेंड क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन दिस टेबल आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही है और टेबल के ऊपर थ्री कप लगे हुए हैं तो ये पूछ रहा है कि इस लाइन में और कितने कप एडजस्ट हो सकते हैं कितने कप आ सकते हैं तो देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्री कप है एक मिनट यहां से लेकर यहाँ तक ये थ्री कप है आगे भी फिर ऐसे ही एक बार और थ्री कप आ जाएंगे और मेरे हिसाब से एक बार और थ्री कप आ जाएंगे तो लगभग लगभग इस लाइन में नाइन कप आ सकते हैं कितने कप आ सकते हैं नाइन कप अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है और इसके नीचे कुछ पोर्ट्स रखे हुए हैं तो बताना है आपको हाउ मैनी पोर्ट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच कि जो ट्री के ऊपर ये वाली ये ब्रांच दिख रही है आपको ये वाली ब्रांच इस ब्रांच तक आने के लिए आपको कितने पोर्ट्स और रखने पड़ेंगे इसका आपको आंसर अपने हिसाब से देना है अंदाजा लगा के मैंने आपको कुछ करने का थोड़ा सा तरीका बता दिया है तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ तक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टू हैं तो कितने और ऊपर ये पोर्ट्स आ सकते हैं ये आपको खुद से सोचना है और अपना ये होमवर्क करना है एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको ये आपको नीचे एक रस्सी दिख रही है एक रोप बंधी हुई है जिसके ऊपर कपड़े सुखाए जा रहे हैं तो हाउ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर आपको बताना है कि इस वायर पर कितनी और शर्ट्स लटक सकती है कितनी और शर्ट्स को आप सुखा सकते हो तो आप देख सकते हो कि यहां से लेकर यहाँ तक लगभग एक शर्ट है तो आगे कितनी और शर्ट आएंगी वो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के आपको बताना है तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ओके थैंक यू